हेलो दोस्तों, आज हम वेज लॉलीपॉप की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। देखिए, इस प्रकार से वेज लॉलीपॉप बनाना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमने आज पत्ता गोभी लिया, गाजर लिया, फूल गोभी लिया है। इसे हम ग्रेटर की बॉल में ग्रेटर की सहायता से ग्रेट करेंगे अच्छे से। देखिए, आपने मोटे तरीके से ग्रेट करना है, मोटे भाग से ग्रेट करना है ताकि इसका पानी ना छूटे। नहीं तो क्या, बत्ते भागों से ग्रेट करेंगे तो क्या है, जल्दी से पानी छूट जाएगा, बिल्कुल भी अच्छे से ग्रेट नहीं होगा, इसीलिए हमने मोटे भाग से लिया। चलिए, यहाँ फूलगोभी भी हमने ले लिया है। फूलगोभी को भी अच्छे तरीके से ग्रेट करेंगे। देखिए, इस प्रकार से आपने पूरे फूल को ग्रेट करना है, उसके डंठल को छोड़ देना है आपने। अब हम यहाँ पर पत्ता गोभी भी ऐड करेंगे। पत्ता गोभी को भी हमने बिल्कुल इसी प्रकार से ग्रेट किया है। देखिए, इस प्रकार से आप बारीक भी काट सकते हैं, कटिंग अच्छी हो तो आप कटिंग के अनुसार काट सकते हैं बारीक। हमने यहाँ ग्रेट किया, हमने यहाँ बीन्स ऐड किया बारीक कटा हुआ। देखिए, हमने इस प्रकार से बीन्स को काटा है बिल्कुल बारीक, उसे ऐड करना है। साथ ही में हम नमक ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिलाएंगे ताकि इसका सारा पानी निकल सके हम इसका सारा पानी निकाल कर रखेंगे। इसको कुछ देर के लिए छोड़ देना है या तो फिर आपने इसे मिलाते जाना है। साथ ही में देखिए, इस प्रकार से आपने पानी को निकाल लेना है सब्जियों में से सारा पानी निकल जाए और हमें सूखा सूखा लेना है। देखिए, हमारे ये ड्राई हो चुका है बिल्कुल भी, इसी प्रकार से आपने लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर, 50 से 100 ग्राम पनीर आप ऐड कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल इस प्रकार से ग्रेट करके डालिएगा, अच्छा फ्लेवर आता है इससे और टेस्टी भी आता है। साथ ही में हमने यहाँ बॉयल आलू लिया, बॉयल आलू को भी हम ग्रेट करेंगे उसी प्रकार से। देखिए, हमारा बॉयल आलू भी अच्छे से ग्रेट हो चुका है। साथ ही में हम यहाँ पर जिंजर गार्लिक ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ, आप पेस्ट भी ले सकते हैं। और साथ ही में हरी मिर्च ले लिया हमने यहाँ 2 से 3। साथ ही में हमने सेजवान सॉस लिया है, सेजवान सॉस से रेड चिली सॉस आप कुछ भी ले सकते हैं। साथ ही में हमने नमक भी ऐड कर दिया है, साथ में ब्लैक पाउडर 1/2 टेबल स्पून, यहाँ आरा मिर्च पाउडर हमने यूज़ किया है 1/2 टेबल स्पून। साथ ही में हम धनिया भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से आपने मिला लेना है। देखिए, इस प्रकार से आपने अच्छे से मिला लेना है पूरे को। चाहे तो आप इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं, फूड कलर आता है, फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ कलर का यूज़ नहीं किया है। रेड चिल्ली से बहुत बढ़िया कलर आता है और स्पाइसिस भी आती है अच्छे से। साथ ही में हम यहाँ ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर 2 से 3 चम्मच आप यूज़ करेंगे, आपकी सब्जियों के अकॉर्डिंग आपने यूज़ करना है बिल्कुल। साथ ही में हमने यहाँ मैदा भी ऐड किया है 2 से 3 चम्मच, इसे अच्छे तरीके से मिला लेना है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो और आप कॉर्नफ्लोर मैदा ऐड कर सकते हैं, इसका बैटर ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए। देखिए, इस प्रकार से होना चाहिए, बिल्कुल भी इसे अच्छे तरीके से मिला लेना है और हाथों को अच्छे तरीके से साफ पानी से गीला कर लेना है बिल्कुल। और इसके वेज लॉलीपॉप बनाते हैं। चलिए, आपने आइसक्रीम वाले स्टिक लेना है। देखिए, मार्केट में आसानी से मिल जाता है, अपने घर का यूज़ बनाया हुआ यूज़ कर सकते हैं आप, घर पर बना रहे हैं तो। देखिए, इस प्रकार से आपने लपेट लेना है। देखिए, हमारा वेज लॉलीपॉप बनकर रेडी है। इसे इसी तरीके से सारे बना लेना है आपने और मीडियम टू हाई फ्लेम रखना है। देखिए, इस प्रकार से थोड़े थोड़े बबल निकले, इस प्रकार से आपने तेल को गर्म करना है और इसमें सारे हमारे लॉलीपॉप को फ्राई करेंगे। अब देखिए, मीडियम टू हाई फ्लेम रखना है इसे, अगर क्या ज़्यादा गर्म रखेंगे तो आप ऊपर से पक तो जाएंगे, बाहर अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए मीडियम फ्लेम में रखना है इसे। मीडियम फ्लेम में इसे पकने देना है, जैसे ये तेल के ऊपर तैरने लगे उसके बाद में फ्लेम को आपने हाई कर देना है, ज़्यादा भी हाई नहीं करना है, तो मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है। देखिए, हमारे बिल्कुल अच्छे से कलर आने लगा है, अच्छे तरीके से इसमें कलर आ चुका है। देखिए, बिल्कुल हमारा वेज लॉलीपॉप बनकर रेडी है। देखिए, इस प्रकार से कितना बहुत बढ़िया कलर आया है, ब्राउन कलर, एकदम गोल्डन ब्राउन। चलिए, अब हम इसके सॉस को बना लेते हैं। सॉस को किस प्रकार से बनाएंगे, हमने यहाँ फ्राई पैन में तेल ले लिया है 1/2 टेबल स्पून, इसमें भर भर के आपने लहसुन बारीक कटा हुआ, जिंजर बारीक कटा हुआ,
मिर्च से लेना है, साथ ही में हरी मिर्च लेना है स्पाइसी के लिए। और इसे अच्छे तरीके से टॉस करना है, हल्का पका लेना है इसे। साथ ही में हम बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे, प्याज को भी अच्छे से आपने भून लेना है, बिल्कुल ब्राउन होने तक भूनना है इसे। देखिए इस प्रकार से हमारा ब्राउन हो चुका है बिल्कुल, प्याज ज़्यादा भी ब्राउन नहीं करना है इसे, इसका कच्चापन टेस्ट निकल जाए, इतना में ब्राउन करना है बस। इसमें पानी ऐड करेंगे, देखिए इसमें हमने नमक ऐड किया है, वाइट पेपर, ब्लैक पाउडर, विनेगर साथ में यूज़ करेंगे, सेजवान चटनी यूज़ करेंगे हम, साथ में टमाटर केचप ऐड करेंगे। देखिए हमने यहाँ सोया सॉस को भी यूज़ किया है, सोया सॉस आप ले सकते हैं, आप रेड चिल्ली सॉस भी ले सकते हैं मार्केट से बना हुआ, लेकिन हमने यूज़ नहीं किया। साथ में देखिए कितना बहुत बढ़िया कलर आया है यहाँ पर। ग्रेवी थिकनेस के लिए हम इसमें कॉर्नफ्लोर का यूज़ भी करेंगे, साथ ही में हमने यहाँ स्प्रिंग ऑनियन के यूज़ किया। देखिए साथ में हमने कॉर्नफ्लोर को भिगो के मिला दिया है, जिससे हमारी ग्रेवी थिक होगी। तो हमें इसमें हमारे लॉलीपॉप को ऐड कर देना है और इसे अच्छे तरीके से टॉस करना है। चलिए हमारा वेज लॉलीपॉप बनकर रेडी है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे।